है गैस, अगर आपने कोई भी फाइनेंस कंपनी से लोन को ले रखा है और गैस आपको उनका पेमेंट देना है, तो गैस आप कैसे ऑनलाइन पेमेंट करोगे। तो गैस आज की इस वीडियो पे आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। अगर आपने पेटीएम यूज़ करते हो तो गैस आप पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू आप बहुत आसान तरीके से अपना कोई भी लोन का पेमेंट को आप कर सकते हो, चाहे बजाज फाइनेंस हो या तो होम क्रेडिट हो, कोई भी फाइनेंस कंपनी का आप जो पेमेंट बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। तो गाइस आज के इस वीडियो पे सीखेंगे कैसे जो ना आप पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी फाइनेंस का पेमेंट को आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हो। और गाइस देखिए, आपका जितना भी पेमेंट रहेगा वही पेमेंट को आपको भरना है, इससे ज्यादा एक भी रुपया आपको एक्स्ट्रा नहीं भरना है। सो गाइस अब तभी पेमेंट को भर दीजिए। समझ लीजिए आपके पास कंपनी से कॉल आ रहा है कि आपने अभी भी हमारा पेमेंट को नहीं भरा है, हमारा पेमेंट कर दीजिए। तो गाइस अब उसकी बात आप जो ना ऑनलाइन पेमेंट को कर सकते हो। या तो गाइस देखिए, वो जो मैम आपको बस कॉल करेगा, तो गाइस आपको बस कोई भी एक बंदा कॉल करेगा, तो गाइस आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे पेमेंट करना है या नहीं करना है। तो गाइस मेरा ये वीडियो को देख के आप ये सीख सकते हो कैसे आप खुद घर बैठे बैठे आप कैसे आप ऑनलाइन पेटीएम के माध्यम से आपका लोन का पेमेंट को आप कैसे कर सकते हो। मैं यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन ऐसे ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए सिंपल, जैसे कि मैं पेटीएम एप्लीकेशन ऐसे ओपन कर लिया हूँ। पेटीएम ओपन करने के साथ लॉक को मैं अनलॉक कर देता हूँ। तो गाइस अब भी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका सामने काफ़ी सारा यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे मैं लोन का पेमेंट करूँ। तो चलिए सिंपल ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देता हूँ। जैसे कि ऊपर की ओर स्क्रॉल कर दिया हो तो गाइस सिंपल देखिए यहाँ पे व्यू मोर, तो देखिए रिचार्ज एंड बिल पेमेंट, यहाँ पे सिंपल से व्यू मोर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि आपने व्यू मोर पे क्लिक करोगे आपका सामने काफ़ी सारा पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गाइस सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए पे लोन करके, तो सिंपल देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल पे सर्विस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि आपने पे सर्विस पे क्लिक कर देते हो तो गाइस सिंपल देख सकते हो पे लोन ईएमआई लिखा हुआ है। तो गाइस देखिए मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मैंने कुछ दिन पहले पे किया था, इसके लिए जो यहाँ पे मैं यहाँ पे पूरा फुल डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। तो गाइस अगर आपने एक बार पेमेंट कर दोगे तो गाइस वो पेमेंट भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो गाइस सिंपल अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऐड न्यू, जैसे कि मैं ऐड न्यू करूँगा तो देखिए आपका सामने पूरा फुल फाइनेंस कंपनी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप जिस भी फाइनेंस कंपनी से लोन को ले रखा है तो गाइस सिंपल आप ऊपर चाहो तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, नहीं तो गाइस आप देख सकते हो आपका सामने काफ़ी सारा फाइनेंस कंपनी यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए बजाज ऑटो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, काफ़ी सारा आपको सामने पे ऑप्शन मिल जाएगा। ज़्यादातर लोगों का बस बजाज फाइनेंस ही होगा या तो होम क्रेडिट वगैरह होगा। तो चलिए आपका जो भी है आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। तो चलिए सिंपल मेरा जो है ना IDFC फर्स्ट बैंक है, तो चलिए सिंपल मैं ऐसे सर्च कर लेता हूँ IDFC। तो गाइस सिंपल देख सकते हो लिखा IDFC फर्स्ट लिमिटेड, तो सिंपल यहाँ पे मुझे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो गाइस सिंपल यहाँ पे EMI पे क्लिक करना है। जैसे कि मैंने EMI पे क्लिक किया हो तो गाइस सिंपल आपका लोन नंबर देना है। तो जैसे कि आपने पे अपना लोन नंबर को दे दोगे उसकी बाद सिंपल आपके पे पोर्सेट पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आपने पे पोर्सेट पे क्लिक करोगे तो गाइस आपको पूरा फुल पेमेंट कितना करना तो गाइस ऑटोमेटिकली ऐप पे आ जाएगा। उसके साथ साथ देखिए आपका जो नेम है आपका पूरा फुल नेम भी ऐप पे देखने को मिल रहा है। तो गाइस आपको ऐसे ये पता चलेगा कि आपका नेम क्या है। तो गाइस आपका नेम सही है तो ही आप जना पेमेंट को कर दीजिएगा, अदरवाइज आप पेमेंट को मत कीजिए। उसके बाद आप चाहो तो सिंपल पे अमाउंट पे क्लिक करके आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। समझ लीजिए आपका EMI है 2000 का, आपको पे 2500 या तो 3000 EMI देखने को मिल रहा है, तो गाइस आप पेमेंट को मत कीजिए। आप कस्टमर केयर से बात कीजिए कि मेरा जो ना इतना क्यों EMI बढ़ गया है और इतना EMI मेरे से क्यों लिया जा रहा है, तो मेरा EMI इतना नहीं है। अगर आपका बाउंसेस चार्ज वगैरह लग जाता है तो गाइस आपका EMI ज़्यादा हो सकता है उस केसेस में। समझ लीजिए आपने एक दो पेमेंट को नहीं किया तो गाइस इस केसेस में आप जिसके कारण आपका EMI अमाउंट भी ज़्यादा हो जाता है। तो गाइस आप ये चीज़ भी नोटिस करके देख लेना
कि सही है या गलत है। तो गाइस आपने जो भी फाइनेंस कंपनी से लोन को ले रखा है तो गाइस उनका भी एक ऑफिशियल ऐप होता है, उस एप्लीकेशन के अंदर जाके अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर वगैरह दे के आप जो है ये पता कर सकते हो कि आपका ईएमआई कितना भरना है और आपका एक्स्ट्रा बाउंसेस चार्ज वगैरह कितना लगा, आप सब कुछ वहाँ पे चेक कर सकते हो। सो गाइस आपके पास फाइनेंस कंपनी से जब भी कॉल करेगा कि सर आपने पेमेंट कर दिया है, तो गाइस आप बोलना हाँ मैं पेमेंट कर दिया हूँ, और गाइस आप उनका स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो। लेकिन आप पेमेंट तभी कीजिएगा जब आपका ईएमआई का डेट हो जाएगा, ईएमआई डेट के बाद ही आप पेमेंट करना। तो फाइनेंस कंपनी से बैंक का लिंक रहेगा तो गाइस आपका ऑटोमेटिकली वहां से पैसा कट हो जाता है। सो गाइस समझिए आपने बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया, आपका बैंक अकाउंट चालू नहीं है, तो गाइस उस केसेस में आप जन ऑनलाइन पेमेंट को कर सकते हो। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सिंपल नीचे दिया हुआ रेड बटन को दबा के हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे से अपने ख्याल रखें। ओके बाय बाय।